ट में पैसे बनते नहीं है और प्रॉपर्टी में कभी पैसे टूटते नहीं है इराके झुंझुनवाला से उन्होंने क्या सीखा तो उन्होंने ये बोला कि तुम राइट हो ये ज्यादा नहीं है राइट होने पे हाउ मच मनी यू मेड कोरोना के टाइम पे क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया स्ट्रेटेजी के अंदर में जो हम कर रहे हैं इसके अंदर में दो ही चीजें हैं जो आपको विनिंग की तरफ ले जाती है पहला है टाइम पैसे को काम पे लगाना ही अपना काम है आपने ज्यादा ब्याज पे अपने पैसे को लगा दिया और कम ब्याज में पैसा उधार ले लिया प्रॉपर्टी के गुण इसमें बहुत हैं हाँ। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स नहीं है रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट आप लोगों को क्या लगता है दोनों में से ज्यादा सेफ कौन सा है क्या आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा सेफ है या आपके जो स्टॉक्स है जो आपके शेयर है या हमारा इंडेक्स है वो ज्यादा सेफ है तो आप लोग यही बोलोगे ना विजय क्या फालतू सवाल है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी रियल इस्टेट ही ज्यादा सेफ होती है आज तक मैं भी यही सोचता था बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी सेफ़ है जितनी रियल इस्टेट आपकी सेफ है उससे कहीं ज़्यादा सेफ स्टॉक मार्केट बन सकता है और जो रियल इस्टेट के फायदे हैं आप लोगों को वो स्टॉक मार्केट में मिलेंगे इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि रियल इस्टेट के अंदर जो नुकसान है ना वो भी यहाँ पे चले जाएंगे जैसे अगर आपको लैंड बेचनी है तो वो जल्दी से बिकती नहीं है बट यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और भी बहुत कुछ तो आज ये हम ये कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम रियल इस्टेट के फायदे के साथ मतलब रियल इस्टेट का जो एडवांटेज है नुकसान नहीं होने वाला वो कैसे कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम उसका फायदा कैसा उठा सकते हैं और एक बात भी यहाँ पे सीखेंगे कि आप अपने सौ रुपए के इन्वेस्टमेंट को दो सौ रुपये करके कैसे यूज कर सकते हो मतलब आप अपने कैपिटल का डबल यूज कैसे कर सकते हो तो आज के वीडियो में हमारे साथ जो है मिस्टर गोविंद जवाहर जी वो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं रियल इस्टेट वर्सेज स्टॉक मार्केट क्या सबसे बेटर है और क्या सबसे अच्छा है तो आज का आप वीडियो पूरा जरूर देखिए और उसके बाद अगर आप लोगों को गोविंद जी के साथ सोशल मीडिया पे आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप गोविंद जी को सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो मैं उनकी ईमेल आईडी और उनका जो भी ट्विटर हैंडल रहेगा वो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर देना चलिए अभी हम जाते हैं हमारे वीडियो में वेलकम सर थैंक यू पहले तो सर थैंक यू आपका कि आप हमारे पास आए और सर सूरत में सूरत बेस्ड है सर का ऑफिस सूरत में है तो जब भी हमारी बात हुई थी सर से कि हम ना वीडियो बनाना है तो सर ने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा आपके पास तो मैंने मेरे को वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारे पास भी आ रहा है अपना वीडियो बनाने के लिए तो थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन्वाइट मिला मुझे ऐसे एंड कुछ डिस्कशन का मौका मिलेगा यस सर yes, तो सर मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ ना तो मैं आपको जानता नहीं हूँ मैंने आपको आईओसी के इवेंट में देखा है राइट तो मैं देखता हूँ कि आप वहाँ पे ज़्यादातर होस्ट करते हो पर आज यहाँ पे मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ <laughs> तो सर मुझे आप बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है सो so, प्रोफेशनली uh, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ओके और टू uh, के आसपास में मेरा सीए कंप्लीट uh, हो रहा था तो उस समय पे बॉम्बे के अंदर में सिटी बैंक में आ, सी ए जब अपन करते हैं तो उसमें लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने को मौका मिलता है अच्छा तो वो मैं सिटी बैंक में किया था फॉरेक्स डेरीवेटिवज़ में और डेरीवेटिव मार्केट को वहाँ देखूँ तो मुझे लगे कि यार ये तो वो चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा था ओके और तो वहाँ पर फॉरेक्स डेरीवेटिव था तब तक इंडिया में डेरीवेटिव मार्केट नहीं आए थे और वो फॉरेक्स डेरीवेटिवस को करके खूब मज़ा आ रहा था साथ ही साथ में सी एफ ए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक आ, कोर्स और था सी टी एम देट इज़ सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर ये कोर्स प्योर डेरिवेटिव्स के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए था तो वो कोर्स भी मैंने वहाँ पे उस समय कंप्लीट किया और करते ही इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट आ गए और मैं भी सीए कंप्लीट हो गया कौन से साल में आया था ये 2001 थाउजेंड वन ओके तो 2001 से मैं फिर स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और आप सीए कब बने थे टू थाउजेंड वन टू ओके तो और तब से ऑप्शंस का काम शुरुआत से मुझे जॉब जो मिली हाँ तो वो मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट में ही मैंने वो ढूंढी थी और मुझे वो मिल गई तो दो तीन साल तक प्योर ब्रोकिंग का काम किया जॉब की जैसे फिर उसके बाद में अपना खुद का सब ब्रोकरशिप शुरू किया ओके okay. फिर सब ब्रोकरशिप करके वहाँ पे भी ब्रोकिंग का बिजनेस ही करते थे हम लोग उस समय पे ब्रोकरेज बिजनेस ही मस्त चलता था हाँ मतलब आप जिस जमाने की बात कर रहे हो तब तो, तो वन वन परसेंटेज मिलता था में। हाँ, मतलब ऐसा था कि सब ब्रोकरशिप में जब जॉब पर लगा था तो सब ब्रोकरशिप में थे हाँ हमारे मेम्बर

अब आजकल वो वाला टाइम भी नहीं रहा आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि कस्टमर खुद ही इतना अवेयरनेस आ गई है कि लोग खुद ही समझने लगे हैं कि भाई हमें क्या पसंद है हमें क्या करना चाहिए यस yes, वो भी है और दूसरा एक पॉइंट और है कि अब टेक्नोलॉजी ने ऐसा अपना रोल अदा किया है कि अब लोग अपनी मतलब ब्रोकर की ऑफिस पे जाकर के बैठ के काम करना वो सब अब वो नहीं करने वाले अब नहीं होता है मुझे अभी भी याद है जब हम लोग दो मतलब मैं दो में मैंने सब ब्रोकरशिप ली थी वो टाइम ऐसा था कि हम ब्रोकर के ऑफिस में ही शेयरिंग करते थे उनके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे आप आगे बैठे हो टर्मिनल और पे, पीछे पूरी दुकान <laughs> लगी होती थी आपके पीछे कम से कम <laughs> दस से पंद्रह लोग बैठे होते थे हाँ। और एक हमारे कस्टमर थे जो टिफिन लेके आते थे तो वो सुबह आते थे शाम को जाते थे और हमारे साथ लंच भी करते थे एकदम एकदम पूरा एकदम। दिन ट्रेडिंग चलता होता था कोई पीछे से बोलता था मेरा सौ ले लो मेरा पचास शेयर ले लो मेरा ये जो इन्वेस्टर होता था ना वो डीलर को एक्स्ट्रा पैसा देता था इतना हल्ला होएगा तो उसने पहला ट्रेड मेरा गिर तो उसके लिए अलग से पैसा देता था ये चलता था सर मुझे याद है हमारे यहाँ पे एक डीलर था तो बाद में ये लोगों का आने का कल्चर धीरे धीरे बंद हो गया फिर फोन का चालू हो गया ज्यादा तो लोगों ने उसको पैसा दिया था कि मेरे नंबर से फोन आएगा तो, तो तेरे पास दूसरा कॉल चलता रहेगा उसको होल्ड पे कर पहले मेरा सौदा मेरा मार ले तो ये होता था सही बात है वो टाइम अलग था सर वो टाइम अलग था अब तो आप बाजू में बैठे हो और आप एक लाख रिलायंस ले लो तो मुझे पता नहीं चलेगा मार्केट की डेप्थ भी ऐसी हो गई है तो सर फिर अभी आपका स्ट्रैटेजी क्या है आप क्या करते हो मार्केट में सो so, इसी उसी को स्टोरी को और आगे लेके जाता हूँ फिर हुआ क्या कि ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे थे अब ब्रोकरेज के बिजनेस के अंदर में अच्छा पॉइंट ये था कि हम लोगों को बहुत अच्छा पैसा आता था ओके okay. पर उसमें पेन पॉइंट ये था कि क्लाइंट कभी कमाता था कभी लॉस कर देता था कभी कमाता था कभी लॉस कर देता था तो हमको कभी भी लॉन्जिविटी फील ही नहीं होती थी कि ये जीवन भर क्लाइंट हमारे पास टिका रहेगा क्या ये कॉन्फिडेंस हमको कभी भी नहीं आता था hmm. और उसमें भी और मज़ेदार पॉइंट तो ये होता था कि हम क्लाइंट के पास जाते थे मतलब दो साल हो गए क्लाइंट ने काम किया फिर उसका हिसाब लेके जाते हाँ तो क्लाइंट पूरा का पूरा हिसाब किताब देख करके देखता कि यार अल्टीमेटली इसमें गोविंद भाई पैसे तो नहीं बने मेरे को हाँ और वो हमारे को कहीं एग्जाम्पल और देते कि मैंने उस समय पे ये वाला प्लॉट खरीदा था इससे मेरे को इतनी वेल्थ बन गई हाँ। ये वाली शॉप खरीदी थी इससे मुझे इतनी वेल्थ बन गई और हमारे पास में उनको कहने के लिए कोई जवाब नहीं होता था एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं और उदित्त उदित मेरा पार्टनर है हम हाँ। दोनों ने साथ में पढ़ाई की साथ में सी टी किया उसके कारण ही मैं बहुत कुछ चीजें सीखा अच्छा तो हम दोनों ने ये बिजनेस को भी साथ में शुरू किया और क्लाइंट से मिलके आते क्लाइंट बार बार बोलता कि जी स्टॉक मार्केट में पैसे बनते नहीं है और प्रॉपर्टी में कभी पैसे टूटते नहीं है देर सवेर हमको ग्रोथ मिल जाती है बराबर है तो निकलते घर की तरफ जा रहे होते वापस तो हमेशा ये सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉपर्टी जैसी चीज नहीं मिल सकती क्या कि जो ये कॉन्फिडेंस दे रहे इन्वेस्टर को हाँ कि भाई वो है तो देर सवेर उसका प्राइस आ जाएगा वो है तो उसको ग्रोथ मिल जाएगी ओके क्योंकि एक बड़ा जो डिफरेंस है इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट में वो ये डिफरेंस है

तो अब वो पेन हम जब बाहर जाते हैं घर की तरफ जाते तो हम हमेशा ये ढूंढते कि यार हमको कोई प्रॉपर्टी जैसी चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं मिल सकती और ढूंढते हैं तो भगवान मिलते हैं ऐसे ढूंढते ढूंढते हमें एक बार एक आइडिया समझ में आया और वो आइडिया था इंडेक्स ओके okay. अब इंडेक्स क्या है ये समझने जैसा पॉइंट है इंडेक्स एक फॉर एग्जाम्पल एन का इंडेक्स निफ्टी हाँ तो निफ्टी इंडिया के टॉप फिफ्टी स्टॉक्स का एवरेज है करेक्ट

तो अगर वो हमेशा टॉप फिफ्टी स्टॉक्स का ये एवरेज है तो वो मुझे पहली गारंटी ये दे रहा है कि इंडेक्स कांट बिकम जीरो हाँ ये तो बात इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता इंडिविजुअल स्टॉक जीरो हो सकता है आज का जो सबसे टॉप स्टॉक है हो सकता है कल वो जीरो हो जाए पर इंडेक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि उसमें हमेशा टॉप फिफ्टी स्टॉक्स ही पड़े हैं तो पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी का पहला गुण तो उसमें मिल गया जैसे प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंस देती है कि जीरो नहीं होगी तो इंडेक्स हमको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो जीरो नहीं होगा सही बात है और दूसरा इंडेक्स हमेशा विनर्स को चूज करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर होता है हाँ। आज थोड़े समय पहले रिलायंस का वैल्यूएशन तेरह चौदह लाख करोड़ था हाँ। टी बारह तेरह लाख करोड़ था

तो यदि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए अभी आपने मुझे यहाँ बिठाया कोई कारण से यह टूट गया, हाँ, गया तो मुझे पता है, मैं गिर के नहीं जा सकता तो मुझे ये है कि इंडेक्स लिया हुआ तो वो जीरो नहीं होगा और टाइम के साथ यदि आप होल्ड करते रहोगे तो देर सवेर वो अपने आप बढ़ जाएगा इस तरीके से हम इंडेक्स पे आए तो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इंडेक्स पे कर रहे हैं तो आपका मेथड क्या है मतलब जैसे इंडेक्स में तो हम फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं फिर उसको रोल ओवर करना पड़ता है या फिर हम ई बाय कर सकते हैं तो आप कैसे करते हो हम कैसे में? करते हैं तो बहुत बढ़िया तो हम हमने वापस यही कॉन्सेप्ट को फिर और आगे प्रॉपर्टी से एक्सटेंड किया अच्छा क्योंकि हम लोग क्या क्या है मैं और उदित हम दोनों के दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते हैं हाँ और हमारे परिवार वालों ने जो बड़ी वेल्थ बनाई वो वेल्थ बनाई प्रॉपर्टीज के अंदर में तो आज मेरी सराउंडिंग के अंदर में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बहुत बढ़िया अच्छी वेल्थ है मान लीजिए कोई की पचास करोड़ की वेल्थ है कोई की सौ करोड़ की कोई भी दो सौ करोड़ की तो हम देख रहे हैं उसके अंदर में सब्सटेंशियल पार्ट जो है तो उन्होंने पास्ट के अंदर में अच्छे अच्छे प्लॉट्स वगैरह खरीदे थे उसका प्लॉट का पेमेंट किया फिर दूसरा खरीदा उसका पेमेंट किया तीसरा खरीदा और वो ज़मीनों के टुकड़े इकट्ठे होते 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 तो आज उनके पास बहुत बड़ी वेल्थ खड़ी हो गई तो यही चीज़ को हमने वापस इंडेक्स के अंदर में ऑप्ट करने का कोशिश किया कि कैसे हम कर सकते हैं तो हम इंडेक्स में करते क्या है हम इंडेक्स के फंड्स खरीदते हैं ईटीएफ ओके okay. तो ईटीएफ खरीदना तो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से समझते हैं हाँ. ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आएगी राइट right. तो सबसे पहले तो हमको ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि इंडेक्स जीरो नहीं होगा इसलिए इंडेक्स खरीद लो करेक्ट अब मार्केट बढ़ेगा तो हम भी बढ़ जाएंगे हाँ मार्केट टूटेगा तो हम टूट जाएंगे हाँ अब हमें टूटना नहीं है ठीक है बीच में भी हाँ क्योंकि मार्केट गिर देगा तो सही तो गिरेगा तो सही मतलब अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकता है गिर भी सकता है तो हम उसका साथ में प्रोटेक्शन खरीदते हैं हम लोग ऑलरेडी ऑप्शंस के अंदर में काफ़ी कुछ काम करते ही थे पहले से ही तो उसके लिए हम उसमें पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो हम ऑप्शन बायर हैं ओके okay. और पुट ऑप्शन भी हम लॉन्ग टर्म वाला पुट ऑप्शन खरीदते हैं वो क्या होता है सर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि निफ्टी के अंदर में आप वीकली ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो मंथली ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो और ईयरली ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो अच्छा तो पांच साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं अच्छा और वो ट्रेडेबल होता है तो ट्रेडेबल ट्रेडेबल के अंदर में वन ईयर वाला जो ऑप्शन है उसमें लिक्विडिटी अच्छे से होती है ओके फिर टू ईयर वाले में उससे कम थ्री ईयर वाले में उससे कम ऐसे, कम ऐसे कम होती जाती है ओके पर आपका जो करंट ईयर होता है उसकी ऑप्शन की लिक्विडिटी बहुत अच्छे से मिलती है ठीक है तो हम वो ऑप्शंस खरीदते हैं तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि वो ऑप्शन क्यों खरीदते हो हाँ। वो ऑप्शन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि की जो है, हाँ। वो के आने पर सबसे जोर से टूटती है जिसको हम थीटा बोलते हैं। हाँ। तो जितनी लंबी मेच्योरिटी होगी प्रोपोस्ट कॉस्ट उतनी कम होगी अच्छा अब मुझे तो जीवन भर खड़े रहना है इंडेक्स के साथ में करेक्ट बस मैं तो चाहता हूँ भी रहूँ मतलब तो हम, ले लिया तो सेम वैसे ही जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं और उसका इंश्योरेंस लेते हैं द सेम वे हमने इंडेक्स खरीदा और उसका प्रोटेक्शन खरीद दिया लगी गई मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था हाँ। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा हाँ। कि सर ये करके हम पैसा कितना बना सकते हैं और इसमें कॉस्ट कितनी लगती है क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एज ए इन्वेस्टर मेरा दिमाग यही बोलता है कि अगर मैं इक्विटी में जाऊंगा तो मैं ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूंगा जो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे राइट ठीक है तो शायद वो इंडेक्स में वो पॉसिबल है नहीं, है, है। नहीं है, है हाँ। और दूसरा कि ये मेरा 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 अगर मैं हैज कर रहा हूं, तो तो इसमें कॉस्टिंग क्या बैठेगा तो मेरा जो नेट रिटर्न है वो निकल के कितना आएगा बहुत अच्छा दोनों क्वेश्चन को समझते हैं पहला जो क्वेश्चन है ना कि इंडिविजुअल स्टॉक मल्टीपल टाइम बढ़ता है नॉर्मली इंडेक्स इस तरीके से परफॉर्म नहीं करता क्योंकि इंडेक्स पचास स्टॉक्स का एवरेज है एवरेज है तो इसलिए वो इस तरीके से कि मल्टीपल जी एक रुपये का सीधा ही पाँच रुपये हो गया वो वैसा नहीं होता है वहाँ पर साथ में हमको ये भी समझना है कि वो जो इंडिविजुअल स्टॉक है जो एक का पाँच गुना होता है

मार्केट कैप मार्केट कैप टोटल हाँ। तो मैं उसमें पांच हजार शेयर खरीद रहा हूँ ना तो भी मुझे मिल ही नहीं रहा था मतलब मुझे मार्केट करके करना पड़ रहा था और अगर मैं मार्केट करने लेता, तो वो 10, रुपया चल जाता। लगा देते। हाँ तो जब मुझे बेच, बेचना होगा तो वो तो टाइम भी मेरी हालत वही होती exactly. थी। तो ये तो वो पॉइंट भी है तो उसके कारण से हमको ये समझ में आया कि बड़ा फंड यदि पार करना नहीं आया तो आज ही में एक लिंकड के ऊपर में एक मैसेज पढ़ रहा था किसी ने यह शेयरिंग किया था कि राकेश झुंझुनवाला से उन्होंने क्या सीखा तो उन्होंने ये बोला कि तुम राइट हो यह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है राइट होने पे हाउ मच मनी यू हैव मेड अभी मैं मेरे को कोई एक बहुत अच्छा मतलब कैलकुलेशन समझ में आया और मैंने उसके ऊपर काम किया और काम करके मैंने पैसे बनाए पर अल्टीमेटली मैंने पैसे उसमें दस बीस हजार बनाए तो बोला फिर तू राइट पढ़ के भी क्या बड़ा काम कर आपने लाइफ नहीं बदली उसमें नहीं बदली तो मुद्दा ये भी है कि आपको स्केलेबिलिटी मिले। करेक्ट। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई नहीं होते हाँ। लॉन्ग रन हाँ। तो के अंदर में का जो है, वो जो बहुत सारों को आप एक साथ एवरेज गिनोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर पहुंच जाएगा okay. दूसरा पॉइंट जो है कि उसके साथ प्रोटेक्शन खरीदने से हमारे पास नेट रिटर्न क्या बचेगा तो इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और ये एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए दिखने में ये लगता है कि जब हम प्रोटेक्शन खरीदते हैं तो हमारा प्रीमियम खर्च हो गया हाँ। और पांच परसेंट के आसपास प्रीमियम लग जाता है साल का हाँ, क्योंकि तो वो महंगा भी होगा महंगा भी होगा हाँ। तो साल का पांच परसेंट प्रीमियम है अब इंडेक्स खुद बढ़ता ही ऑन एन एवरेज चौदह पंद्रह परसेंट है तेरह चौदह से पंद्रह परसेंट और उसमें पांच परसेंट तो आपका खर्च लग गया प्रोटेक्शन का तो आप तो आठ नौ परसेंट के रिटर्न आ गए तो क्या ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है अच्छा प्रोटेक्शन मंदिर में पैसे डाल दिए चंदे के लिए वैसा खर्च नहीं है अच्छा प्रोटेक्शन आपने लिया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है और वो एडवांटेज क्या मिला है वो एडवांटेज ये मिला है कि जब मार्केट टूटेगा तो जितना टूटेगा उतना डिफरेंस आपको वापस मिलेगा ओके ये काम करता है पुट ऑप्शन मतलब अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ समझो निफ्टी भगवान ना करे गिर जाए पर कल बीस परसेंट गिर गया तो वो प्रोटेक्शन से हमारा लॉस पूरा का पूरा 20 पूरा का पूरा 20,000 हाँ, हाँ, 20 हुआ हाँ, तो द, द, दो हजार पॉइंट टूटा वो पुट आपको वापस दो हजार पॉइंट देगा ओके निफ्टी 22 का 17 हो गया पांच हजार पॉइंट टूटा वो पुट आपको पांच हजार पॉइंट देगा निफ्टी 22 का मान लीजिए जीरो हो गया कोई हाँ, कारण से हां ऐसा होता नहीं है हां नहीं हो, हो, गया, हो गया आपको पूरे 22000 वापस मिलेंगे ओके और इसका एक जबरदस्त एग्जांपल तो जब हाइट्स हो गई वो क्या है वो समझो कोरोना के टाइम पे क्रूड ऑयल हां नेगेटिव में चला गया हाँ गया था नेगेटिव राइट अब सोचो क्या हुआ होगा मान लीजिए क्रूड पहले 3000 पर बैरल चल रहा था हां और आपने 3000 का पुट लिया हुआ है सेटलमेंट पे क्रूड -2000 हो गया हां तो इफेक्टिवली वो पांच हजार पॉइंट टूटा हाँ। तो थ्री थाउजेंड का पुट जिसने खरीद रखा था उसको इफेक्टिवली पांच हजार पॉइंट वापस मिले हम्म। पर सर इसमें तो हम समझो अगर मेरे मैं एक करोड़ आपको देता हूँ समझ समझे मैं दे नहीं रहा हूँ समझने के लिए एग्जांपल है दे भी सकते हो नहीं दे भी सकते <laughs> हैं बट फिलहाल एग्जांपल के लिए समझते हैं हाँ। तो सर इसमें आप समझो आपने कितने रुपए का पुट खरीदोगे

दस हजार के स्टॉक के लिए ही उतना पुट खरीदा है तो फाइव हंड्रेड रुपया प्रीमियम लगा ओके मतलब क्योंकि आपने प्रोटेक्शन भी साथ में खरीदा है पर इसके है। बदले में आपको श्योरिटी मिल गई कि कोई भी कारण से यदि मार्केट टूटे तो बाजार कितना भी टूटे आपका ये टेन थाउजेंड तो हर लेवल पर प्रोटेक्टेड रहेगा ही ओके okay. क्लियर तो बाजार यदि मान लीजिए कि टूट गया दस का आठ हो गया तो वो दो हजार पॉइंट आपको पुट से वापस मिल गए और सर ये थोड़ा ऐसे ही पूछ रहा हूँ समझो दस हजार से आठ हजार हो गया बाजार पर आपके पास तो पर दस हजार वाला पुट है तो आप वो पुट को फिर नीचे शिफ्ट करते हो आगे आता हूँ उसको, अच्छा। उसको। तो तो एग्जांपल दिया मान आपने करोड़ का बनाया। ओके। और करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया तो आपको और मैंने मान इसी करोड़ में नाइन्टी का स्टॉक खरीदा पांच लाख रुपए पुट के दिए हाँ। वही करोड़ पे मैंने लिया पांच लाख रुपए आपको पता है पूरे साल के अंदर बाजार कुछ भी हो जाए कितना भी टूट जाए सुबह शाम दिन रात ओवरनाइट कुछ हो गया कुछ भी हो आपका वन करोड़ नाइन फाइव लेख के नीचे तो जा ही नहीं सकता yes no? क्योंकि जितना पोर्टफोलियो टूटेगा दे देगा केवल पांच लाख रुपया मैक्सिमम रिस्क पे रहेगा पूरा पूरे साल, साल के लिए तो पहला तो हमको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया हम लोग वापस बता रहा हूं राजस्थान वाले लोगों को एक चीज का और पॉइंट है उन्हें पैसा तो बहुत बड़ा कमाना है लेकिन उन्हें पैसे से प्यार भी उतना उनको पैसा खोया हुआ भी बर्दाश्त नहीं है रिस्क नहीं लेना है तो हमको हाँ, हमको रिस्क कैलकुलेटेड ही लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना तो उसका तरीका क्या है तो अभी जो आपने क्वेश्चन रखा ना तो ऐसा समझो इसका क्या सीनेरियो हो सकता है मानो अभी दस हजार चल रहा है इंडेक्स हाँ। वस के सीनेरियो आपके साथ ये हो सकता है कि चार साल निकल गए और बाजार दस का दस ही रह गया हाँ। अगर बाजार 10 का 10 ही रह जाता है विजय भैया तो आप हर साल जो पांच पांच परसेंट का प्रीमियम पे कर रहे हो यू आर गोइंग टू लूज यस 20 ,000 ,000 ,000. 20 लाख लाख रुपया अगर आपने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया हाँ. अब करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया बीच में बाजार बढ़ा भी 10 का 12 हुआ 2019 में रियल में ऐसा ही हुआ हाँ. निफ्टी 10 का 12 हुआ ट्वेंटी में वो आके यहाँ पे आ गया था वन फिर बढ़ गया मान लो ट्वेंटी टू फिर टूटा आपने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया तो आपने पांच लाख रुपए प्रीमियम के पे कर दिए यस अब नेक्स्ट ईयर इंडेक्स टेन का ट्वेल्व हुआ

ओके okay. अब 1.2 करोड़ हो गया हाँ। अब नेक्स्ट ईयर आप 1 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे या 1.2 करोड़ को मैं 1.2 करोड़ को करूंगा तो 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा देने को आएगा हाँ। तो अब आपको 5 की जगह 6 लाख देने को आया हां नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 12 का 8 हो गया हां अब इंडेक्स 1/3 टूट गया इंडेक्स वन थर्ड टूटा तो आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ वाला भी टूटेगा चालीस लाख तो जितनी वैल्यू आपकी टूटी है वो पूरा का पूरा प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पुट ऑप्शन से मिलेगा नहीं मेरा क्वेश्चन यही है सर की ये इतना इतना बढ़ जाता है ये पुट का वैल्यू तो ये पुट का वैल्यू का फॉर्मूला यही है

क्योंकि हमारे जो वीकली वाले ऑप्शन तो जीरो की रह गई हो। मतलब प्राइस से की वाले सभी पुट का प्रीमियम है। आप लाइव देखोगे ना अगर अभी भी हाँ। तो आपको दिखेंगे वो तो आपने यदि खरीदा है मान लीजिए ट्वेल्व थाउजेंड का पुट ऑप्शन और यदि वो स्टॉक एट थाउजेंड हो गया तो उस ट्वेल्व थाउजेंड के पुट का मिनिमम प्रीमियम चार हजार रूपया चलेगा अगर नहीं चलेगा तो वहाँ आर्बिट्राज है

या घटेगा या वही रहेगा हाँ बाजार यदि बढ़ गया फिफ्टीन हो गया तो आपने जो आठ हजार में स्टॉक खरीदा उसमें सात हजार का प्रॉफिट हो गया आपको और तीन हजार रुपए आपके पुट के लगे करेक्ट आपने ओवरऑल कमा लिया तो तीनों सिचुएशन में आप उसमें सही कमाओगे तो वो वो आर्बिट्राज है नहीं पॉसिबल होता है तो आपके लिए ये पॉइंट इसमें क्लियर है कि अगर इंडेक्स ट्वेल्व का एट हुआ तो ये वन करोड़ का पोर्टफोलियो एटी लेक्स हुआ तो डिफरेंस का चालीस लाख वो पुट से आपको वापस मिलेगा ओके ये छे छे छह लाख पांच लाख रूपये आपने इसीलिए पे किए हैं कि जब ऐसा समय आए तो मुझे डिफरेंस मिल जाना चाहिए पर मुझे वो पुट पकड़ के तो काम ही नहीं हुआ हाँ, तो खुल गया ना तो फिर हेज खुल गया फिर आप अनहेज रह गए फिर आप रिस्क में खड़े हो गए तो वो डिसिप्लिन है अब मुद्दा पता है क्या मजेदार पॉइंट अब ये चालीस लाख रुपया जो कैश आया इसका क्या करोगे

आपकी क्वांटिटी डेढ़ गुना हो गई करेक्ट है सर ये तो तो अब आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का 1.2 करोड़ ही रह गया अगेन सिक्स लेख पे किए नेक्स्ट ईयर इंडेक्स एट का ट्वेल्व हुआ

मैं जनरली बहुत पीसफुल काम करने की मानता हूं तो यहाँ पे मेरे को वो पीस दिख रहा है कि मैं चार करोड़ पांच करोड़ इंडेक्स में लगा के रात को सो सकता हूँ एकदम आराम से और तभी तो चलते बाजार के अंदर में आप और हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं आराम से एक्चुअली <laughs> Actually... <laughs> और एक भी फोन नहीं बज रहा है कुछ ऐसा है कि <laughs> क्या हो गया बाजार में नहीं बज रहा है तो वो पॉइंट है तो ये वन करोड़ अगेन आपने प्रीमियम पे किया फिर बाजार टूटा आप टूटे नहीं लर्निंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या ये पुट ऑप्शन की कॉस्ट हमारे लिए कॉस्ट है समझने जैसा पॉइंट है ओके okay. बाजार दस का दस है चार साल में पर आपका वन करोड़ रुपी, 1 करोड़ पहुंच गया बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि आपने प्रोटेक्शन ले रखा था प्रोटेक्शन hmm. के कारण जब मार्केट बढ़ा तो आप भी बढ़े पर जब मार्केट टूटा तो आप टूटे नहीं रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए ओके okay. अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है शायद आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा अब इसमें पुट खरीदना कब है और इसको नेक्स्ट ईयर के लिए वापस कब खरीदना है वो एक आप मुझे बता दीजिए ठीक है क्योंकि समझो मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो मेरे को पैसा निकालना ही नहीं अगर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि मैंने तो जब मार्केट में अपनी शुरुआत की थी तब इंडेक्स मेरे ख्याल से पांच हजार का था उसके बाद वो वापस बारह हजार हुआ कोविड में गिरा और वापस अभी बाईस हजार हो गया है तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टेड ही रहना चाहता है तो आपको तो हर बार उसके पुट खरीदते रहने पड़ेगे एकदम तो इसके लिए पहला क्वेश्चन इससे पहले एक और मैं खड़ा करता हूँ और उसका आंसर देता हूँ हाँ कि क्या पुट हमारे लिए अभी लेते हैं। हाँ। तो क्या हम कभी ये क्वेश्चन कभ जाने से पहले लेना है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद लेना है नहीं, जैसे उसमें क्या होता है ईयरली अपन प्रीमियम भर दिया भर दिया तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने पुट लिया जैसे आपने बोला दिसंबर का एक्सपायरी होता है और जून का भी आपने बोला बराबर है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं दिसंबर का ही लूंगा हाँ तो अभी दिसंबर का थर्टी फर्स्ट या कौनसे दिसंबर में उसका एक्सपायरी होता है वो मुझे पता नहीं है तो जब उसका एक्सपायर हो रहा है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है तब मुझे नया लेना है या मैं उसको पहले ही नया ले ओके, लूंगा ओके ओके तो हाँ तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह कि हमेशा आपके पास आपके स्टॉक के सामने पुट होना ही चाहिए राइट right. नंबर वन क्योंकि पुट आपके लिए कॉस्ट नहीं है राजर वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अब दूसरा कि जब भी एक पुट आप काट दो तो आपको दूसरा तुरंत ही ले लेना है ठीक okay. है अब मेच्योरिटी तक नॉर्मली हम खड़े नहीं रहते हाँ मेरा सवाल यही था एक्जेक्टली exactly, समझ गया हाँ. तो मेच्योरिटी तक क्यों खड़े नहीं रहते तो वापस वो थीटा का रूल थीटा में क्या समझा रहा है थीटा में ये समझा रहा है कि जैसे जैसे मैं मेच्योरिटी के नजदीक आऊंगा मेरे टूटने की स्पीड बढ़ जाएगी अभी मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे समझो आपने दिसंबर के लास्ट तारीख को उसको स्क्वायर ऑफ किया और दूसरा खरीदा तो आपका तो 5 का कॉस्ट पूरा जीरो पूरा हो गया। जीरो हो हो गया गया exactly. एग्जैक्टली तो अगर आपको पता है कि ये 5 का कॉस्ट जीरो ही होने वाला है तो हाँ। आप उसको 2 बचा सको एकदम तो एक मेंने, दो महीने पहले भी अपन उसको स्क्वायर ऑफ करके और हाँ। अगले महीने में जाएंगे अगले साल में तो नेक्स्ट ईयर का फोर्टीन मंथ का प्रीमियम उतना प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा अच्छा लेकिन ये दो महीने का प्रीमियम हमको बहुत अच्छे से वापस मिल जाएगा तो पता चलेगा साल के पांच की जगह आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट साढ़े तीन चार परसेंट

आठ साल शायद हो गए मुझे याद भी नहीं हम लोग कब से भर रहे अभी तभी तब, हाँ। तब मुझे बोला था मेडिक्लेम में करके उन्होंने ज्यादा बिल दिया था तो उसमें अपने को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ता है कि अपने को ध्यान रखना पड़ता है पर मुद्दा वहां पर तो ये सब चांस है बट मैंने वो चिंता नहीं की मुझे भरना है क्योंकि मेरा दिमाग में ये था कि चलो मेडिक्लेम है तो देख लेगे तो मुद्दा पर यहाँ पर एक और इसमें एक इस पॉइंट से एक अंदर का पॉइंट आता है जो स्टॉक मार्केट का एक, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो हाँ। कि यहाँ पे कोई भी तरीके की स्टार मार्किंग नहीं है हाँ। समझ रहे हैं इसका मतलब आपने जिस स्ट्राइक का पुट लिया है हाँ। जितना बाजार उससे नीचे गिरा तो आप कहाँ से आए हो कितने पड़े हुए हो कौन सी सिटी से हो क्या है क्या नहीं है या इन सब कोई चीजों का कोई लेना देना नहीं है स्ट्राइक प्राइस से जितना प्राइस नीचे आया वो डिफरेंस आपको मिलने वाला है, मतलब आपका, अगर इनको टका मिला है तो आपको भी सौ टका पुट खरीदा होगा तो समझो बाईस हजार से ये बीस हजार हो गया ठीक है क्योंकि समझो अगर हम ऐसा मानते है कि ये बाईस हजार से दस हजार होने वाला है पता किसी को नहीं है पर दस हजार होने वाला है पर दस हजार होगा तो उसमें स्टेजी, है ना पहले वो से बीस हजार होगा फिर अठारह हो फिर सत्रह होगा तो वो टाइम पे आप पुट कैसे शिफ्ट करते जाओगे तो वापस इसमें क्या करते हैं कि कि एक थेरी तो अपने ये समझ ली कि हमने इंडेक्स खरीदा साथ में पुट लिया अभी तक हम दो ही चीजों पे आए हाँ पुट में भी हमने ये समझ लिया कि पुट हमको कंटिन्यूसली रखना ही है अब मुद्दा एक पॉइंट तो जरूर आता है कि यार ये पुट खरीदा है बीच में बाजार एक बार जोर से टूट गया हाँ। तो क्या हम उसके एनकेज कर सकते हैं क्या हाँ। तो कर सकते हैं चार हजार पॉइंट टूट गया तो आपको पुट में चार हजार पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है और आपका स्टॉक चार हजार पॉइंट टूटा हुआ है तो ऐसा आपने कोई गेन नहीं किया पर आपने लॉस भी नहीं किया पर आप चाहते हो ताकि जब बाजार रिकवर हो तो मेरे को स्टॉक में गेन वापस आ जाएगा उसको बुक करना है तो उसका आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए हाँ कि आप ट्वेंटी टू थाउजेंड के पुट को स्क्वायर ऑफ किए और एटीन थाउजेंड का पुट आप वापस आपचेज कर लो ठीक है तो एक तो क्या रूल आपका फॉलो हो गया कि आप हमेशा पुट के साथ खड़े हो आ, मैं एट द मनी भी हूँ मनी भी हो अब इसमें एक जो पॉइंट आएगा पेन वाला वो क्या आएगा कि वो एटीन थाउजेंड का पुट कोई भी प्रीमियम चले तो खरीद ले में क्या हाँ क्योंकि वो टाइम पे वो महंगा होगा महंगा होगा कोरोना के टाइम पे ये एट द मनी पुट सोलह परसेंट चला गया था सिक्सटीन परसेंट जो फाइव परसेंट की बात कर रहे हैं हम

हम्म इन द मनी से इन द मनी पे भी शिफ्ट करने में आपको फायदा हो रहा है क्योंकि जो जिस लेवल पे आप आ गए ट्वेंटी थाउजेंड पे उसका एट द मनी बनने का स्कोप ज्यादा है हाँ थोड़ा भी रिवर्सल बाजार आएगा तो आप एट द मनी के नजदीक पहुंच जाओगे और मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ है मैं ईटीएफ भी खरीद सकता हूं आप उसके प्रॉफिट का ईटीएफ खरीद पाओगे तो आपने 22000 का पुट बेचा हां तो वो और 20000 का वापस खरीदा

देर सवेर बढ़ने वाला है पुट ऑप्शन इसलिए लिया क्योंकि पुट ऑप्शन की खुद की कोई कॉस्ट नहीं है यदि आपका नजरिया लंबे समय का है आप दस साल का हो रहा है जब लेके देखो तो हाँ। आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कभी भी पुट का कॉस्ट में नहीं कन्वर्ट होगा ओके okay. तो अभी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर यही पूछेगा आपसे कि इसमें ये सब करके अपना पैसा कितना परसेंटेज एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अपने को क्या सोचना चाहिए क्या लेके चलना चाहिए कि इतना पैसा तो आपका बन सकता है ओके okay. इसका आंसर वैसे को खुद को देना है और आपको भी खुद को देना है तो चीज को एक बार वापस करेंगे यदि हम ये मानते हैं कि इंडेक्स तेरा चौदह परसेंट बढ़ जाता है मान लीजिए तो क्या खरीदा है इंडेक्स ही खरीदा तो फिर मैं भी तेरह चौदह परसेंट बढ़ जाऊंगा इंडेक्स जो परफॉर्मेंस देगा वो मुझे दूंगा दूसरा मैं अगर ये मानता मैंने पुट खरीदा है

Hmm. तो वहां पे क्या हुआ ना कि जब भी लोअर सर्किट लगा था ना वो स्टॉक खुला ही बीस परसेंट नीचे hmm. और वो लोअर सर्किट में ही है और फिर तो बाजार बंद हो गया था फिर दूसरे दिन वापस 20 नीचे तो आपको सोचने के पहले ही चालीस परसेंट ऐसे ही चला गया चला गया, गया। तो इट इज वेरी पेनफुल तो अपने पास कोई कोई सिचुएशन और कुछ नहीं बचता है अपने पास में तो मुद्दा यहाँ पर क्या आया कि इन्वेस्टर को चाहिए ये कि यार इन्वेस्टमेंट हम कर क्यों रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करेंगे हमारा परचेजिंग पावर जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता रहे पहले से हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाए परचेजिंग पावर की हम अपने आप तो अब आमिर दिखेंगे करेक्ट तो अपने को ये समझना है कि इंडेक्स का रिटर्न क्या है तो जो कंट्री की जी डी पी है प्लस इन्फ्लेशन ये इंडेक्स का रिटर्न होता है लॉन्ग रन में तो यदि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हूँ और जी जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं अपने आप ही सुपर ग्रोथ मॉडल पे चला गया अब इसके अंदर में हम लोग अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के और भी टूल्स यूज करते हैं अच्छा तो अब आ रहा है तीसरा पॉइंट इसके अंदर में वो है इंटरेस्ट आर्बिट्राज वो क्या होता है सर? अब इंटरेस्ट आर्बिट्राज आर्बिट्राज का मतलब वैसे क्या होता है कि आप रिस्क नहीं लेते हो यदि और दो अलग अलग मार्केट के अंदर में मिस प्राइसिंग का कुछ काम कर लेते हो हाँ तो देट इज कॉल्ड आर्बिट्राज फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे अभी अपॉर्चुनिटी कम होती है वैसे अभी भी अवेलेबल होती है एन और बीएससी दोनों जगह पे रिलायंस का शेयर चल रहा है अब एक जगह पे रिलायंस मान लीजिए हजार रुपए का भाव चल रहा है और दूसरी जगह पे एक हजार दो रुपए का भाव चल रहा है और लेने के टाइम पे जहाँ सस्ता है वहां खरीद लेना रहा हूँ क्लियर अब मानो जिस रिलायंस पड़ा है वो उसमें रोज ट्रेडिंग करता है तो वो क्या करेगा हजार रुपया जहाँ चल रहा है वहां से ले और जहाँ एक हजार दो चल रहा है वहां बेच दे

और वो स्टॉक्स रख के अपने मार्जिन लिमिट आ गई हाँ, उसमें आपने एक करोड़ रुपए के इंडेक्स के फ्यूचर्स खरीद लिए तो एक करोड़ की आप वैल्यू बोल रहे हो के... एक करोड़ की वैल्यू मार्जिन नहीं हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जब हम लोग एक इंडेक्स का लॉट खरीदते हैं

आपने मेरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया यस yes. तो अब मार्केट बढ़ेगा तो आप भी बढ़ने वाले हो पर सर इसमें तो तीन महीने का एक्सपायरी है ठीक है तो आप कौन सा वाला खरीदो अभी ने? करते हैं उसको आगे समझते हैं ठीक है पर यहाँ पे ये यह समझ लेते हैं कि मार्केट बढ़ेगा तो आप बढ़ने वाले हो मैं यहाँ तक ये यह समझाऊँ कि आपने मेरे एक पैसे को दो जगह पे काम पे लगा दो जगह काम पे लगा दिया है ठीक है पर पैसे, को काम पे लगाना ही अपना काम है

कभी पचास सौ पॉइंट लगती है कभी सवा सो डेढ़ सौ पॉइंट भी लगती है करेक्ट साल की ऑन एन एवरेज आप फॉरवर्डिंग गिनोगे तो वो लगभग के आसपास आ जाएगी ओके okay. तो करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया मैंने आपका फ्यूचर से तो आपके पांच लाख रुपए तो फॉरवर्डिंग कॉस्ट में चला गया जो मुझे साढ़े सात लाख रुपया मिल रहा था ये ढाई लाख रुपए जो बचा ना इसे आर्बिट्रेज कहते आपने क्या किया आपने ज्यादा ब्याज पे अपने पैसे को लगा दिया और कम ब्याज में पैसा उधार ले लिया फ्यूचर्स खरीदना मतलब आपने पैसा उधार ले लिया हाँ अब फ्यूचर्स क्यों खरीदे हमने क्योंकि पांच परसेंट में पैसा उधार मिल रहा है इसलिए हमने फ्यूचर चूज किया हमको कोई उसमें स्पेकुलेशन नहीं करना है हाँ। हमारे पास तो करोड़ रुपए थे ही हाँ 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 हमने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया पर हमको पांच परसेंट में पैसा उधार मिल गया इंडिया में केवल एक यही ऐसा बिजनेस दिखा हमें जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर को पांच में पैसा उधार मिल रहा है आपने तो मेरे को नया आइडिया दे दिया सर हालांकि <laughs> उसके बाद में इसको बाद में आगे और कि इसका टैक्स का है अलग हाँ पर और वो बाद अभी में। में को ये बताओ कि मतलब सारे ब्रोकर ये बॉन्ड्स कोलेट्रल को में रख के हाँ, लिमिट देते हैं हाँ, हाँ, हाँ। कोई ऐसा है कि कोई ब्रोकर नहीं देता है कोई नहीं नहीं ऐसा नहीं है कोई नहीं देता है तो आप उनसे बात कर सकते हो देना मतलब ब्रोकर कोई रिस्क नहीं है हाँ। आपने अगर अपने मार्जिन आपने वैलिड मार्जिन दे दिया आप चेक देते हो तो श्योरिटी और स्टॉक नहीं ऐसा तो कोई पॉइंट रहा नहीं और बॉन्ड्स तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं किसी को तो तो मार्जिन तो 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 रिस्क आई हाँ। में तो वो रिस्क भी नहीं है तो दे आर पर अभी आगे चलते इसमें तो आपने पहला साढ़े सात लाख रुपए में पांच लाख खर्च कर दिए ढाई लाख रुपए आपको आर्बिट्रेज की इनकम हो गई अब हमको वो उस ढाई लाख रुपए को भी खर्च करना है इनफैक्ट ढाई की जगह पांच लाख खर्च करना है और पांच लाख रुपए खर्च करके हमको उसका पुट भी ले लेना है क्योंकि हमने ये समझ लिया कि रिस्क भी हमको आएगी तो पूरे करोड़ पे आने वाली है यस यस हाँ, और नो हमें रिस्क नहीं लेनी है तो हमने पुट खरीद लिए लिया मतलब अभी आपने थोड़ा हमने ढाई लाख रुपए जेब से डाला जेब से डाल दिया और पांच लाख रुपए का टोटल मिला के वापस पुट खरीद लिया जो अपन ओरिजिनल करते तो पूरा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड हो गया कॉस्ट ओवरऑल आपकी ढाई लाख रुपए लगी अब ढाई लाख तो आपकी जो कॉस्ट पहले पांच लाख रुपया लग रही थी अब वो ढाई लाख लग, लग रही है फिफ्टी परसेंट पे आ गया मेरा, मेरा पोर्टफोलियो तो एक करोड़ का एक करोड़ है। का एक करोड़ है और डाउन साइड के अंदर में आप तीन परसेंट से ज्यादा की भी नहीं हो अब मानो इस साल बाजार में सर्किट ही सर्किट लग गया बाजार नीचे नीचे चला गया लगे एक्चुअली तो, मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना यहाँ पे तो लोअर सर्किट लगे तो मेरा फायदा हो रहा है लोअर सर्किट लगे तो तो आपका इंश्योरेंस क्लेम क्लेम मिल गया आपको क्योंकि क्लेम मिलेगा तो मेरे यूनिट्स और मार्केट को तो फिर ऊपर ही आना है पर अल्टीमेटली कमाओगे आप बाजार बढ़ेगा तब हम्म बट डाउन गया तो आपकी तो मतलब इसमें क्या इसमें डबल दोनों साइड बेनिफिट है मार्केट बढ़ता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और मार्केट घटता है तो आपके यूनिट बढ़ती यूनिट बढ़ती है और यूनिट बढ़ेगी और

जिससे हमारी पुट की कॉस्ट और कम हो गई अब इन तीनों को आपने जोड़ दिया तो ओवरऑल ये हो गया कि कोई भी साल बाजार कितना भी टूट जाए आप तीन चार परसेंट से ज्यादा टूट ही नहीं सकते और बाजार बढ़ जाए तो जितना मार्केट बढ़ेगा उतना बढ़ोगे आप उससे तीन चार परसेंट कम बढ़ोगे तो इंडेक्स यदि बीस परसेंट बढ़ाई इस साल तो आप लगभग सोलह परसेंट सत्रह परसेंट बढ़ोगे सेवन परसेंट करेक्ट पर इंडेक्स यदि बीस परसेंट टूटा आप तीन चार परसेंट ज्यादा टूटोगे नहीं राधर आपके नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाएंगे करेक्ट तो ओवरऑल लॉन्ग रन के अंदर अब आप अपने आप ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे करूंगा वो तो ऑटोमेटिकली होगा और अगर, मतलब मार्केट गिरा तो 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 मेरे, मेरे को यूनिट्स तो यूनिट्स भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन था कि रिटेल इन्वेस्टर को भी ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा रिटर्न क्या रहेगा तो हमारा रिटर्न बेस कर रहा है इंडेक्स के ऊपर लेकिन लॉन्ग रन में हम इंडेक्स को आउट परफॉर्म अपने आप कर लेंगे प्रोडक्ट अपने आप में इस तरीके से काम करता है नहीं एक्चुअली ना आपका भी पॉइंट बराबर है मतलब हम लोग ज्यादातर तो रिटर्न पे ही फोकस करते हैं रिटर्न 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 बट कभी भी हम लोग ये नहीं देखते कि प्रोटेक्शन नीचे क्या है hmm. अभी रिसेंटली मार्केट जब स्मॉल कैप मिड कैप गिरे थे ना hmm. तो बहुत ही पेनफुल और पेनफुल स्टॉक्स गिरे थे नो डाउट स्टॉक्स रिटर्न भी देते हैं बट जब गिरते हैं तो वो भी अगर इंडेक्स टेन गिरेगा तो स्टॉक्स थर्टी फोर्टी भी गिर जाते हैं तो बहुत सही है सर ये और uh, बहुत ही एकदम आपने ना आज मेरा एक अलग माइंड ओपन कर दिया और जैसे आपने बोला कि आप राजस्थान से हो तो आपने पैसे को कैसे पैसे को काम पे लगाना चाहिए ना उसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है ये वीडियो में आपने hmm. सही है सर आ, अभी आ, सर हम हमारे जो भी गेस्ट आते हैं ना उनको लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि सर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अभी कितने साल है सर मार्केट में ट्वेंटी थ्री ईयर्स हो गए अब मुझे तो यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या वो बन सकता है और बनने के लिए उसको क्या देखना चाहिए तो क्वेश्चन रियल में मैंने काफ़ी डीप क्वेश्चन है वैसे ये कि किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना हो तो वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है तो पहले तो बन तो सकता ही है इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे पास में ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर ट्रेडिंग के अंदर ही किया शुरू किया और दे दे आर डूइंग फैंटासटिक वर्क इन देयर लाइफ एकदम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी वेल्थ भी बनाई है और आगे भी उनको बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है, है। कंटिन्यूसली बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स खड़ी कर ली हैं तो वो काम करते हैं पर इसके अंदर में कि ट्रेडिंग भी है या कोई भी बिज़नेस है तो उसके कुछ हर एक बिज़नेस के कुछ एक रूल्स होते हैं और वो रूल्स को यदि वो फॉलो करते हैं तो वो ग्रो करते हैं अभी हाँ। मान लीजिए मैंने आज मैं सूरत से आया हूँ हमारी सूरत जो है वो डायमंड सिटी है और टेक्सटाइल सिटी है करेक्ट तो अब वहाँ पर डायमंड और टेक्सटाइल सिटी है तो वहाँ पर यदि हम लोग डिसिप्लिन से काम नहीं करें डायमंड सिटी के अंदर में जो काम होता है छोटा सा ही पैकेट होता है पर वो करोड़ करोड़ रुपए का पैकेट हो जाता है हाँ अब यदि आप उसमें रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करो लिखा पट्टी अच्छे से नहीं करो कि कहाँ दिया है किसको दिया है तो कहीं भी बेड डेट होते पता भी नहीं चलेगी हाँ तो यदि रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी अच्छे से अच्छा बिजनेस भी ख़राब हो सकता है और रूल्स अच्छे से फॉलो करो तो इट कैन मेक सेंस फॉर एवरी तो यहाँ पर भी अपने स्टॉक मार्केट का जो अच्छे रूल्स के अंदर में एक पॉइंट आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है और दूसरा पॉइंट मैंने एक और देखा है वो देखा है कि लीगैलिटी जो भी काम करो वो ऑथेंटिक होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए नहीं तो होता क्या मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में बहुत बड़ी वेल्थ बनाई स्टॉक मार्केट से लेकिन बाद में वो एक बार सेबी के चंगुल में फंसे और पूरा का पूरा करियर खत्म कर लिया उन लोगों ने तो हुआ क्या आपने जीरो से शुरू किया था आप एक बहुत बड़े उस पर पहुंचे और फिर वापस वही पे ही आ गए तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस करेक्ट तो जो भी करो वो लीगल करो और जो भी करो वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो तो स्काई इज़ दी लिमिट बहुत छोटा सा ही काम कर रहे हैं हम लोग भी अभी लेकिन हमको दिख रहा है कि कितना बड़ा स्कोप है और खाली इंडिया नहीं जिस तरह से अपन ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं पूरा वर्ल्ड मार्केट अपने लिए खड़ा है सही है सर तो मतलब आज के पूरे हमारे पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो रिस्क का था जो आपने हमें बता दिया कि उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और जैसे आपने देखा कि सर ने हमें एक परफेक्ट रियल इस्टेट के कंपेयर में आप स्टॉक मार्केट को कैसे अपनी रियल इस्टेट बना सकते हो इसका एग्जाम्पल सर ने परफेक्टली दे दिया है तो आप भी कोई ऐसे रियल इस्टेट लवर को जानते हो तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना कि भाई मार्केट में एक नया प्लॉट आया है जिसकी वैल्यू गिरने वाली नहीं है और वो प्लॉट पे कोई कब्जा भी नहीं कर और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडेक्स पता है क्या है इंडेक्स हमारे लिए व्हाइट की प्रॉपर्टी है आ, कि मतलब का पैसा इन्वेस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे लिए इंडेक्स इसको कोई कब्जा भी नहीं करेगा ना खाली प्लॉट पड़ा है तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के गुण इसमें बहुत है। तो की नहीं है आपके पास पांच सौ रूपए भी है आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हो करेक्ट है पर आप पाँच सौ रुपए नहीं खरीद सकते आपके पास में आपका पूरा पैसा लिक्विड है जब चाहिए तब आप इनकेश कर लो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं आप जिस जगह पे खड़े हो

और उसके पास में आपका खरीदा हुआ इंडेक्स गया तो पता है आज वो पैदा ही नहीं है वो कंपनीज जो आज से 200 साल बाद इंडिया की टॉप कंपनीज होंगी तो आपने आज के दिन अपनी सातवीं जनरेशन का के लिए जो गिफ्ट देना है ना कि वो गिफ्ट एकदम ऐसा होना चाहिए कि जो लाइव रहना चाहिए उनके पास वो दे दिया उन्हें तो इंडेक्स क्या है इंडेक्स कोई शेयर नहीं है इंडेक्स अपने आप में एक फ़िलोसफी है हाँ और वो फिलोसफी है हमेशा अच्छों की संगत में रहने की फ़िलोसफी सही बात है तो देखो फिर <laughs> मतलब आपको आ, बात करके आपसे ना मेरे को एक क्लियरिटी समझ में आ रही है तो ये क्लियरिटी कब आती है ना जब आपको आपके मेथड पे भरोसा हो और ट्रस्ट हो और उसे ही हम लोग मास्टर इन वन बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा था मैंने तो बहुत कुछ सीखा यहाँ और स्पेशली मैंने ये सीखा कि पैसे को दो जगह काम पे कैसे लगाना चाहिए <laughs> वो मैं जरूर करूंगा सर hmm. तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए और थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट में तब तक के लिए बाय